गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण के बहाने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोला और कहा कि दिग्विजय जब बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं। मिश्रा ने उन खबरों का निराधार बताया जिसमें कहा गया है कि सरकार कोरोना के आंकड़ों को दबा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राम मंदिर मसले पर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा वे जब बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कम से कम राम का नाम तो लिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के कारण राम मंदिर निर्माण लेट हुआ है। अब क्या है कि कुछ लोगों की आदत ही होती है आलोचना करने की, और इसलिए वो जब बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, अच्छे में भी बुराई ढूंढते हैं। वो कबीरदास ने कहा है ना कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी, कमोबेश यही स्थिति है, पर आलोचना में ही सही। उनने कम से कम राम का नाम तो लिया, कमलनाथ जी हों या ये हों, इन्हें अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बताना चाहिए जो लोगों जिन लोगों की वजह से इतना लेट हो गया भगवान राम की भूमि का शिलान्यास। कोरोना के चलते बढ़ रही बेरोजगारी पर मिश्रा ने कहा प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, हजारों लोगों को रोजगार उनके स्किल्स के हिसाब से मिल रहा है। अब तक 13,10,000 से ज्यादा लोगों को काम मिला है। कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट दबाने के विपक्ष के आरोप पर कहा बीमारी को कैसे दबाया जा सकता है। उन्होंने कहा सभी विधायक सांसद मंत्री स्वास्थ्य उपकरणों का क्रय करें, हमारे विधायक मंत्री अपनी सैलरी कोरोना से लड़ाई के लिए दे रहे हैं, कांग्रेस का काम वो ही जाने। देखिए जो प्रवासी मजदूर थे मध्य प्रदेश के अंदर, प्रवासी मजदूरों की जो संख्या आई उस संख्या में से जो टेक्निकल थे जो लोग थे उनमें से 36,808 को तो रोजगार हमारे नियोक्ताओं ने दे दिया है जो उद्योग हैं। खाद्यान्न वितरण का भी आप सबको पहले बताया था कि अभी तक 7,20,678 वो मजदूर जो स्किल मैपिंग में आए थे और 5,00,000 उनके परिवार के, इन सबको ऐसे कुल 13,10,186 लोगों को प्रवासियों को खाद्यान्न वितरण का काम लगातार और नियमित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जारी है। मुझे तो नहीं लगता है कि इस बात में सत्ताई है, क्योंकि कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट तो दबा लेंगे पर कोरोना कैसे दबेगा, जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाएगा वो कैसे दबेगा, रोग है वो कोई कागज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उनको थोड़ा अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए मानसिक रूप से, उनका जबीर वो जाने, हमने तो अपना कहा है। लेकिन हमने सभी विधायकों से, मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वो जमा कर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।